गीत जटायु मर गए, उसके लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्रिया कर्म कर रहे हैं, लेकिन जीवित नहीं की, क्योंकि कानून में बंधे हैं वे। सर्वसमर्थ भगवान भी कानून से बाहर जाकर कुछ नहीं करते, इसलिए भगवान का कानून है कि शरणागत पर ही हम कृपा करते हैं, तो बस हमको भी उस कानून का पालन करना है, उस नियम का पालन करना है। आप कहें जी अरे क्या है, भगवान नियमों के चक्कर में पड़ गए, अगर भगवान मनमाने होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन मनमाने अगर होते भगवान तो फिर दो बातें हो सकती है ना उसमें, तो मनमानी भी आप शरण में गए और भगवान के पास ना करना चाहे, भाई मनमानी है उनका मन नहीं है कृपा करने का, तो नहीं भी कृपा करो, तो मनमाना होने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नियम है भगवान का कि जो शरण में आएगा उस पर कृपा अवश्य होगी, तो फिर कुछ हेर फेर नहीं हो सकता, इसलिए भगवान भी नियम के अनुसार ही चलते हैं। तो हमको ईश्वरीय पथ पे आगे बढ़ना है, भगवान को जानना है, तो हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है, और कृपा प्राप्त करने के लिए हमको उनकी शरणागति करनी होगी। ये नियम हर चीज में नियम होता है ना, जैसे आपको कोई वस्तु देखनी हो तो उसमें दो नियम है, क्या नियम, शरण।
भगवान अर्जुन के धनुष का नाम। मेरा शरीर जलता है, मुझे चक्कर आ रहा है, पसीने पसीने हो रहा हूं, मुझसे युद्ध नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम यहां क्या करने आए हो? युद्ध ही तो करने आए थे। हां महाराज, युद्ध करने आया था, लेकिन किससे युद्ध करूं? ये सब के सब तो मेरे भाई बंधु, मेरे परिजन, मेरे गुरुजन लोग हैं, इनसे युद्ध करूं? ये गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु पुत्र अश्वत्थामा आदि, इन सब को मान। और फिर आप कहें कि शत्रु तो शत्रु होता है, तो भी महाराज मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, तो ये सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। तो इतने सारे लोगों की हत्या मैं क्यों करूं? केवल मुझे एक राज्य चाहिए, राज्य के लोग में नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। और फिर इतने सारे पुरुषों की हत्या होगी, इन सब की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनमें से भविष्य में कुछ चरित्रहीन हो जाएंगी, संतान वर्ण संकर पैदा होगी, उन सब का पाप किसे लगेगा? पाप तो मुझे लगेगा ना, नरक तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध से संन्यास की घोषणा कर दी कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान नरक मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा, महाराज जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, किसी की कोई हानि नहीं कर रहा, किसी की हत्या नहीं कर रहा, तो फिर मुझे नरक क्यों मिलेगा? तो उस समय भगवान ने अर्जुन को कर्म का स्वरूप समझाया कि देख अर्जुन, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये अच्छा कर्म है। देख तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तो अगर तू युद्ध नहीं करता तो इसका अर्थ है कि तू अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा।
लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी होती है ना, चाहे वो सोने की हो या लोहे की हो, बंधन तो बंधन है। तो अर्जुन जो तुम चाहते हो परमानंद परम शांति आदि हो तुम, वो सब तुमको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। तो अर्जुन कहता है कि महाराज चलिए ये तो आपने बता दिया कि स्वर्ग में मुझे परमानंद प्राप्त नहीं होगा, पृथ्वी के बारे में मैं आपसे क्या पूछूं, इसका तो मुझे अनुभव ही है, यहां भी सुख का लवलेश नहीं है। तो महाराज ये आपने क्या परिभाषा की कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, फिर इन लड्डुओं का मैं क्या करूं, ये तो जहरीले लड्डू हैं, इसमें तो जहर मिला है। आप तो जो मुझे करने को कह रहे हैं इसमें तो सब ओर से बंधन ही बंधन है, ये स्वर्ग नरक मृत्यु लोक आदि ये सब तो मैं अनंत बार भोग चुका, मुझे इन सब जेलों से छुटकारा चाहिए, इन सब बंधनों से मुक्ति चाहिए, मैं अब फिर से इन जेलों में कैद नहीं होना चाहता। इसलिए ये भी तो बताइए, आपने तो कह दिया युद्ध कर ऐसा भी ना कर, युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा ये भी तो बताइए। तो देखिए 18 अध्याय तक अर्जुन को लेक्चर देकर समझाते समझाते अंत में भगवान कहां पहुंचे कि देख अर्जुन तुझे क्या करना है, शरणागति। तो हमें
आपने झट से हाथ उठा दिए। हाथ उठाने का मतलब क्या? आप उस डकैत के शरणागत। और कृपा कब होगी? जब हम शत प्रतिशत